तो क्या एलविस यादव मनीषा रानी से परेशान हो चुके हैं? एग्जैक्टली बोले तो मनीषा रानी से नहीं, पर मनीषा रानी और एलविस यादव का एज ए कपल देखने वाले लोगों से परेशान हो चुके हैं, यानी कि एलविसा के फैंस से। और बोले तो सिर्फ एलविसा के फैंस से ही नहीं, कीर्ति मेहरा से भी उनका नाम जुड़ा था, तो उनके भी जो फैन क्लब है उनसे भी वो परेशान हो चुके हैं। एक्चुअली में किसी भी सेलिब्रिटी का फैन क्लब उन लोगों का ग्रुप होता है जो कि उस सेलिब्रिटी के ओपिनियन से एग्री करते हैं, पर जब ये फैन क्लब अपना ओपिनियन सेलिब्रिटी पर ही थोपने लगते हैं तब ये बहुत ही ज्यादा बुरा सिचुएशन हो जाता है। और यही चीज हो रहा है एलविस यादव के साथ, और इसलिए इस चीज को लेकर एलविस यादव बहुत ही ज्यादा गुस्सा नजर आए। तो अपने रिसेंट वीडियो में एलविस यादव ने बताया कि कुछ फैन क्लब्स है जो कि जबरदस्ती उनको और मनीषा रानी को एज ए कपल देखना चाहते, और वहां पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा नजर आया। और उन्होंने बोला कि किसी और के बोलने से मैं किसी को अपना गर्लफ्रेंड थोड़े ही बना लूंगा या उससे शादी थोड़े ही कर लूंगा, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो, पर मेरा खुद का भी तो अपना पर्सनल लाइफ है और मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं किसी और के बोलने से कुछ भी नहीं करने वाला। सपोज फैन क्लब है, फैंडम से उन्होंने दो जनों का नाम जोड़ दिया, तो किसी फैन क्लब के चक्कर में दो जन एक साथ थोड़ी आएंगे ना, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं तुम्हें कह दूं तुम्हारे नाम का फैन क्लब बना दिया किसी बंदी के साथ, चलो इसके साथ मुझे दुख हो रहा भाई, तुम इसके साथ क्यों नहीं हो भाई, तुम भाई इससे इसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रहे भाई, तुम लोग यार मैं बहुत मेरा दिमाग खराब हो रहा भाई, क्यों करेगा भाई तू, किसी के कहने से भाई कोई क्यों करेगा। सपोज नाम जोड़ रहे हो किसी के साथ भी, मनीषा हो गई, किसी और के साथ हो, किसी के साथ भी नाम जोड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल भाई तुम्हारे नाम जोड़ने से मेरा नाम थोड़ी जुड़ जाएगा यार, वो तो मेरी पर्सनल चॉइस है ना भाई, पर्सनल चॉइस को पर्सनल चॉइस रहने दो, प्रोफेशनल चीजों को प्रोफेशनल रहने दो, कितना सिंपल है भाई, इतनी टॉक्सिसिटी भाई, बहुत टॉक्सिसिटी। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या किसी फैन को एलविस यादव के ऊपर इस तरीके से अपना ओपिनियन थोपना चाहिए कि तुम जबरदस्ती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के ही रहो? इस बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसी अपडेटेड रहने के लिए खबरी मन को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर ले।